Namaste everyone, Abhinay Vidyasri Online Classes welcomes to you. Today I am going to explain you chapter 1 Technology. In this chapter we will read section 3. Dear Santa, did you get my tweet? The name of our chapter is Dear Santa, did you get my tweet? This is a poem written by Ken Nesbitt. Poem hai Ken Nesbitt ne likhi hai. Okay, so first of all I want to share something about Santa Claus. Who is Santa? Santa Claus had different names like Saint Nicholas, Saint Nick, simply Santa. जो Santa है उसकी उनके कई सारे दूसरे नाम भी है, जैसे Saint Nicholas, Santa Nick या simply Santa भी कहते हैं, Santa Claus, Santa. Okay, it is a mythical character originating in Western Christian culture who is said to bring gifts to the homes of well-behaved children on the night of Christmas Eve. ऐसा माना जाता है, मिथिकल स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है ये, ऐसा कह सकते हैं हम. जो सेंटा है वो जो क्रिसमस होता है, जो मीन्स क्रिसमस जो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है क्रिसमस, उस दिन उस क्रिसमस की शाम को सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट देता है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को वो गिफ्ट देते हैं जो काफी ज्यादा वेल मैनर्ड होते, वेल बिहेव्ड होते, जो बहुत अच्छे होते, बहुत स्वीट होते हैं, उन्हीं बच्चों को सेंटा गिफ्ट देते हैं. ठीक है, सेंटा इज ऑल्सो नोन एज फादर क्रिसमस. सेंटा को फादर क्रिसमस भी कहा जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. How do today's children communicate with Santa Claus? Read this poem to find out. अब इस poem में हम पढ़ेंगे कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो today's generation है, वो किस टाइप से कम्युनिकेट करेगी Santa से, या किस टाइप से उनसे बात करेगी, उनसे मीन्स अपनी थॉट्स या अपनी विशेज जो है वो Santa तक कैसे पहुंचाएंगे. ठीक है, सो आजकल लेटर वगैरह कोई लिखता नहीं है. हम जो भी कम्युनिकेट करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं वो है ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें, ईमेल आल्सो. ठीक है, सो हम ये चीजें यूज करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए. सो जो टूडेज जनरेशन है वो अगर सेंटा से कुछ चाहती है तो वो भी इनका ही यूज करती है, मिस कर रही है यहाँ पर इस पोएम में. ओके, सो डियर सेंटा, Did you get my tweet of presents? I would think are sweet. अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो सेंटा से कहते हैं कि सेंटा आपको जो हमने ट्वीट किया है कि आपको ट्वीट मिला है जिसमें मैंने मेरे प्रेजेंट लिस्ट लिखी है, मुझे जो प्रेजेंट बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा स्वीट है मेरे, मुझे जो प्रेजेंट मैंने उसकी आपको लिस्ट सेंड की, तो क्या आपने वो आपको मिला वो या आपने देखा. And what about my Facebook post of toys and stuff I want the most? और जो मैंने Facebook post की, मैं जो Facebook पे मैंने जो post डाला है, जो मुझे toys चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, जो मुझे बहुत ज्यादा मिस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो मुझे चाहिए, मैंने वो Facebook post किया, तो क्या आपने वो post देखा है. Dear Santa, did you read my blog? That's where I keep a running log. और वो Santa से पूछता है कि Dear Santa, मैंने जो ब्लॉग किया है सोशल मीडिया पे, हम जो किसी से चैट वगैरह करते हैं, किसी को कुछ लिखकर सेंड करता है, दैट इज ब्लॉग. ठीक है, सो मैंने जो ब्लॉग सेंड किया है, क्या आपने वो ब्लॉग देखा है. ऑफ ऑल द टाइम्स दैट आई हैव बीन गुड एंड डूइंग थिंग्स आई नो आई शुड, मैंने उस पर रनिंग लॉग मीन्स रनिंग लॉग मीन्स जिसपे हमको बहुत ज्यादा जो चीजें पसंद होती है, जो हमने की होती है, जैसे कोई किसी टाइप का इवेंट हो गया, कोई एडवेंचर हो गया, जो हमने किया होता है, सो वो रनिंग लॉग कहलाता है. मीन्स उसमें अपडेट्स हम अपडेट करते रहते हैं उसको. ठीक है, सो मैंने वो भी, मैंने जो जितने भी अच्छे टाइम स्पेंड किए थे मैंने वो भी उनपे पोस्ट किए, तो क्या आपने देखे हैं वो. आई होप यू सॉ माई इंस्टाग्राम, माई ईमेल वॉज इन फ्लैग एज स्पैम. आई होप आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, बट आपने जो मेरा ईमेल नहीं देखा, स्पैम इज फ्लैग्ड एज स्पैम. मीन्स जो स्पैम मीन्स जो अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अननेसेसरी मैसेजेस जो आते हैं ईमेल्स पर, उसको कहते हैं स्पैम. सो आपने मेरा ईमेल तो चेक नहीं किया, बट मे बी आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा. हैव यू सीन माई यूट्यूब चैनल टू एंड ऑल माई टेक्स्ट हैव मेड इट थ्रू. क्या आपने मेरा YouTube चैनल देखा है, मीन्स मैंने उस पर भी काफी सारी चीजें पोस्ट की है, अपलोड की है काफी सारी चीजें, तो क्या आपने मेरा YouTube चैनल देखा है.
Where does the North Pole even get computers and the internet? It is believed that Santa comes from North Pole. ऐसा माना जाता है कि जो सेंटा है वो नॉर्थ पोल में रहते हैं या नॉर्थ पोल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा ठंड होती है. आपने देखा हो तो सेंटा मीन्स हम कभी भी क्रिसमस की बात करते तो काफी स्नो होती है वहां पे. जो सेंटा होते हैं वो उस टाइप के वुलन कपड़े वियर करते हैं, ठीक है. सो जो सेंटा है वो नॉर्थ पोल को बिलोंग करते हैं ऐसा माना जाता है. सो जो चिल्ड्रन है वो कहते हैं, वेट, डज द नॉर्थ पोल इवन गेट कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट. मीन्स नॉर्थ पोल है वहां पे कंप्यूटर्स है, अगर कंप्यूटर है तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है. आई होप इट डज, आई नीड इट बेटर और आई माइट हैव टू राइट अ लेटर. आई होप मिस होना तो चाहिए बट अगर नहीं है तो क्या मुझे लेटर लिखना चाहिए आपको, ऐसा बच्चे कहते हैं. ओके सो हियर स्टोरी हैज फिनिश्ड. So, thank you.